नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस सुंदर सवेरे में एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और न ही आपकी चिंता आपके भविष्य को संवार सकती है। इसीलिए वर्तमान में रहकर इसे श्रेष्ठ बनाना, यही श्रेयस्कर है। और शायद इसीलिए गीता में भी भगवान ने ये कहा है कि तू भूत का पछतावा या भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में रह। आइए सुंदर भाव और संकल्प के साथ सुनते हैं आज का सुवाक्य। आओ, आने वाले कल में कुछ नया करते हैं, बगैर इसकी चिंता करे कि कल क्या हुआ था। कल जो कुछ भी हुआ था, हमारे पास वापस जाके उसे बदलने की क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे पास नई शुरुआत करने और आगे बढ़ने की क्षमता है। आइए हम अतीत की अपनी गलतियों के लिए खुद को क्षमा करें, उनसे सीखें, वर्तमान में लगन से काम करें और एक शानदार भविष्य का निर्माण करें। मित्रों, आज 12 फरवरी है, अब्राहम लिंकन जी का जन्म दिवस। आज सुबह ही उनके जीवन का एक प्रसंग याद आ रहा था, जब वो राष्ट्रपति बने ओथ लेने जा रहे थे। उनके आलोचकों ने उन्हें ये कहा कि आपके पिताजी मोची थे, जूते बनाया करते थे, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें तनावग्रस्त करने के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया। हाँ, मुझे पता है मेरे पिताजी मोची थे, बहुत सुंदर जूते बनाते थे। यदि आपको कोई शिकायत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे भी जूते बनाने आते हैं, मैं आपके जूते दुरुस्त कर दूंगा। जीवन में अनेक तनावग्रस्त सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं, कई बार हम उसमें उलझ जाते हैं और अपनी मनोस्थिति को खो बैठते हैं, परिस्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। कैसे ऐसी स्थितियों को हैंडल करें, ऐसे तनावग्रस्त स्थितियों में भी अपने आप को शांत रखें, यही आज की आपके सेहत आपके हाथ में हम बात करने जा रहे हैं, स्ट्रेस फ्री लिविंग की। आइए सुनते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 21st सेंचुरी को हम तनाव की सेंचुरी कहते हैं, सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। आज देखें, अगर आप जहां भी देखें, अपने परिवार में देखें, कहीं भी किसी समाज के किसी भी फील्ड में देखें, तो सब जगह तनाव नजर आता है। इवन बच्चे भी तनाव में रहते हैं और पढ़े लिखे भी तनाव में रहते हैं, अनपढ़ भी तनाव में रहते हैं, गरीब भी तनाव में रहते हैं और मिडिल क्लास और रिच भी तनाव में रहते हैं। तो तनाव क्या चीज़ है, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या चीज़ है और कैसे हमारे शरीर को नुकसान करती है। तनाव क्या है, बेसिकली सिंपल सी भाषा में आपको कहूँ मैं तो, स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू चेंज। तनाव, जब भी हम कोई चेंज, परिवर्तन हमारे जीवन में आता है या समाज में आता है, अगर हम उसको रिएक्ट करते हैं, उसके प्रतिक्रिया करते हैं, तो उससे तनाव पैदा होता है। और लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज, और जीवन का नियम ही है परिवर्तन। तो परिवर्तन तो होता ही रहेगा दोस्तों, हर तरह से। आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आपके परिवार में परिवर्तन हो रहा है, आपके साथियों में परिवर्तन हो रहा है, घर में परिवर्तन हो रहा है, सीजन में परिवर्तन हो रहा है, पॉलिटिक्स में परिवर्तन हो रहा है, पॉल्यूशन में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज़ में परिवर्तन मिलेगा दोस्तों। आप रिएक्शन ना करें, प्रतिक्रिया ना करें, एक्ट करें। क्या करना है आपको, बेसिकली आपको उसको सोच समझ करके, आप, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास चार क्यूज हैं। एक तो हमारे पास इंटेलिजेंट क्वेश्चेंट है, एनालिसिस की पावर है। दूसरा हमारे पास EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस है। हम अपने संबंधों को समझ करके, परख करके, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ करके, उसको हम लगा करके, और फिर हमारे पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, इसका SQ कहते हैं। और साथ उसमें विश्व के सब मनुष्यों को देखते हुए, समझते हुए, और फिर चौथा है हैप्पीनेस क्वेश्चन, HQ कहते हैं उसको। वो आप चौथा, कि मेरी खुशी ना चली जाए, हाँ, ये चार बातें लगा करके आप, हम हायर बींग्स हैं, उसको लगा करके आप एक्शन में कर्म करेंगे तो आपको कभी भी तनाव नहीं होगा, आप इजी रहेंगे। ओम शांति। तो जीवन की भाग दौड़ में, आप अधापी में या अनेक परिस्थितियों के बीच भी आप
तनाव मुक्त रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कल भी हमने चर्चा की थी, जब तनाव की बात हो रही थी, तो कि अध्यात्म हमें तनाव मुक्त रहने में बहुत मदद करता है। और जब कभी हम मंदिरों में जाते हैं या ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो मन की उलझन वैसे भी सुलझती जाती है, मन शीतल होता चलता है, तनाव मुक्त होता चलता है। इसलिए कल भी हम एक मंदिर में गए थे, आज भी हम आपको मंदिरों के एक शहर में लिए चलते हैं, जो देश का प्राचीनतम शहर है। ये तमिलनाडु का कांचीपुरम शहर है। यहाँ हर गली में आपको सुंदर से सुंदर मंदिर दिखाई देते हैं, और ऐसे स्थान पर जाकर वैसे भी मन तनाव से मुक्त हो जाता है। तो आइए चलते हैं कांचीपुरम। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। कभी पल्लव वंश की राजधानी रही प्राचीन कांचीपुरम तमिल और संस्कृत विद्वानों के लिए शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अपने प्रारंभिक वर्षों में यह एक जैन और बौद्ध शिक्षा केंद्र था, और महान हिंदू दार्शनिक रामानुज ने यहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। दक्षिण की धार्मिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध कांचीपुरम भारत के साथ महान पवित्र हिंदू शहरों में से एक है। कांचीपुरम में 108 शैव मंदिर और 18 वैष्णव मंदिर हैं। कई मंदिरों की उपस्थिति के कारण कांचीपुरम हजार मंदिरों की भूमि कहलाता है। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर पूरे भारत में सबसे बड़े और सबसे अलंकृत प्राचीन मंदिरों में से एक है। पल्लव राजा राज सिंह द्वारा निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। एकंबरेश्वर मंदिर, श्री वरदराज पेरुमाल मंदिर, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर कांचीपुरम के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं। कांची कामकोटी पीठम कांचीपुरम में एक और आध्यात्मिक केंद्र है, जिसे आदि शंकराचार्य ने अद्वैत अनुशासन का प्रचार करने और प्राचीन वेद धर्म की रक्षा के लिए स्थापित किया था। कांचीपुरम का कोई भी विवरण विश्व प्रसिद्ध कांचीपुरम साड़ियों का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं होगा। किंवदंती है कि कांची बुनकर ऋषि मारकंडा के वंशज हैं, जिन्हें स्वयं देवताओं के लिए मास्टर बुनकर माना जाता था। शुद्ध शहतूत रेशम में बुना कांचीपुरम साड़ी, दक्षिण से भव्य रेशम और गुजरात से शुद्ध सोने और चांदी का एक आदर्श मिश्रण है। भारत के आध्यात्मिक स्थलों में कांचीपुरम का हमेशा एक विशेष स्थान रहा है। कांचीपुरम संस्कृत का शब्द जिसका अर्थ कमरबंद, और ऐसा माना जाता है कि ये पूरी वसुधा के लिए कमरबंद का कार्य करती है, इसलिए शहर को ये नाम दिया गया है। कितना अद्भुत है ना? सचमुच ऐसे जब आध्यात्मिक स्थलों पर जाते हैं, मन बहुत शांत होता है और नए विचारों से भर जाता है। इसीलिए समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग भी, चाहे अलग अलग ओहदे पे हैं, कार्य कर रहे हैं, इस बात को मानते हैं कि जब कभी भी आप व्यस्तता से अपने लिए वक्त निकालते हैं और आध्यात्म की शरण में जाते हैं, तो मन निखरता है, तन निखरता है, विचार निखरते हैं, और हम समाज और देश के लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं। कुछ ऐसे ही सुंदर विचार आइए सुनते हैं आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब से, जो जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में संसद सदस्य भी हैं। आज देखिए, जब ब्रह्म कुमारी संस्था शुरू हुई थी तब क्या था, आज देखिए सारे लोग इस तरफ दौड़ रहे हैं जी। आज मैं मिला, दो बेटियां थी पंजाब से छोटी, उनको क्या कोशिश आई, उन्हें भी महसूस हुआ नहीं, यहाँ कुछ मिल सकता है, हमें अंदर की शांति मिलेगी, वही शांति हम दूसरों तक पहुंचाएंगे जी जी जी, यही है बिल्कुल। वो कहते हैं लाइट टू एनलाइटन, कि आप एक शमा रोशन करते हैं, वो शमा सारों को रोशन कर देता है जी जी। ये काम ये संस्था कर रही है बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह वो दिन
बहुत जल्दी आएगा कि बस दीप से दीप जलते चलेंगे और अंधियारा दूर हो जाएगा। आप दादी जी के शताब्दी समारोह पे आए हुए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला। दादी जी ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मतलब 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। उनकी त्याग तपस्या और सेवा में जीवन के बारे में क्या कहेंगे और इस 100वीं वर्षगांठ पे उन्हें क्या शुभकामनाएं देंगे? पूरा जीवन जो है सारी वक्त उसकी सेवा में किया है कि उससे जो उनको शक्ति मिली आज ये बाहर देख रहे हैं और ये बाहर उसने इनके हाथ से लाई है। वो खुद तो नहीं आते हैं जी, मगर किसी को ये आगे ले जाने के लिए लाता है। उसमें ये अम्मा आई थी जी, जी, जी। इस शक्ति को आगे ले जाने। सिखों के तीर्थ स्थान स्वर्ण मंदिर की धरणी अमृतसर साहिब में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में राजयोगिनी राज दीदी जी निमित्त थी। आपका जन्म सन 1946 में अखंड भारत के मुल्तान शहर में हुआ था। आपका बाल्यकाल से ही धार्मिक प्रवृत्ति में बड़ी रुचि रही। आपने गीता रामायण तथा अन्य अनेक धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। इसी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण सन 1960 में कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आई। पुनः मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से मिलने का अवसर आपको सहारनपुर में मिला। सन 1961 में माउंट आबू में संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा से मिलने का स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त हुआ। माउंट आबू की पवित्र धरणी से ईश्वरीय शक्ति से संपन्न होकर आपने सन 1962 से सन 1968 तक अमृतसर बटाला और नाभा में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। सन 1968 में अमृतसर में ही ईश्वरीय सेवा का कार्यभार संभालना प्रारंभ कर दिया। वहां पर ही आपने अनेक कार्यक्रम जैसे मेले प्रदर्शनी सम्मेलन संगोष्ठियां शिविर आदि अनेक कार्यक्रम किए और आप अन्य सहयोगी बहनों के साथ 6 सेवा केंद्र 24 उपसेवा केंद्र एवं अनेक गीता पाठशालाओं के संचालन की निमित्त बनी। आपसे 4000 से भी अधिक ईश्वरीय विद्यार्थी अलौकिक पालना प्राप्त किए। आपने 12 फरवरी 2019 को 72 वर्ष की आयु में अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गई। मित्रों, मैं एक सुंदर सा वाक्य पढ़ रहा था जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया। वाक्य ये था, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। भीतर शब्द का संधि विच्छेद कर दिया जाए तो सचमुच भीतर जाकर व्यक्ति तर जाता है और अंदर जाकर ही हम अपने आप को पहचान पाते हैं। अंदर जाकर के ही हम वो कर पाते हैं जो हम करने के इच्छुक होते हैं। और भीतर जाने की भी एक सुंदर कला है जो कला ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही हैं। जी हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाएं चारों ओर इस भाव को लिए हुए ही है कि कैसे आप अपने भीतर चलें ताकि भीतर व्यवस्थित हो जाए तो बाहरी संसार आपका स्वतः व्यवस्थित हो जाएगा। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में ये सुंदर सेवा कार्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत अपना आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी पूरे एक वर्ष तक देश भर में अनेक अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके तहत ब्रह्मा कुमारी का स्पार्क प्रभाग भी देश भर के विज्ञान जगत के लोगों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसका विधिवत उद्घाटन पार्क के स्थापना दिवस यानी 10 फरवरी 2022 को आयोजित हुआ।
इस कार्यक्रम में 75 दिन का कलेक्टिव राजयोग मेडिटेशन, दुआएं लो, टी एक्ट ऑफ काइंडनेस और 3 दिवसीय गहन योग तपस्या का समारंभ हुआ। कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एवं विज्ञान जगत के जाने माने महानुभवि और ब्रह्म कुमारिस के वरिष्ठ भाई बहनों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण स्पार्क विंग के यूट्यूब चैनल और सूम द्वारा किया गया। आइए हम सभी साथ मिलकर 75 दिन के योग तपस्या भक्ति से स्वर्णिम युग की ओर चलते हैं। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सब रंग, हमारे जीवन में रंग भरने वाला, हमें नए विचार देने वाला, हमारे अंदर उत्साह का संचार करने वाला। सचमुच ऐसा ही अनुभव आप करते चल रहे होंगे कि कितनी सुंदर सुंदर सी बातें हमें प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं, बस इन रंगों में खुद को रंगते चलें। और जो अंतिम बात मैं कह रहा था, बहुत ही मूल्यवान है, हम तब रंगते चलते हैं जब अपने लिए वक्त निकालते हैं। विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि आप खुद से नहीं मिलते सारे दिन में एक बार भी, तो आप संसार के सबसे मूल्यवान व्यक्ति से, महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का अवसर चूक जाते हैं। आप बहुत मूल्यवान हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके अंदर बहुत योग्यताएं और विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ पल अपने साथ बिताएं, अपने आप को देखें, तो आप पाएंगे कि सचमुच यू आर द बेस्ट। तो अपने साथ वक्त बिताएं और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।